तो अभी एक बहुत गंदा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। मतलब मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, लगभग आधा घंटा 35 मिनट का कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया, और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। गलती से बटन ही नहीं दबा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो सेम चीज़ वापस तुमको सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, बट मैं तुमको सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जे आर ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपको पता है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट था वो मैंने पढ़ाया था। जो करंट वाला चैप्टर था, जो हीट वाला चैप्टर था वो राहुल सर ने लिया था। ये जो पार्ट है ये हम लोग वापस मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज नथिंग बट लेक्चर चैप्टर नंबर 6, विच इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन, उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है। वो चीज ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन, ये पहले मुझे बताओ। वीडियो पॉज करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, तब मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा। पहले सबसे पहले देखो क्या होता है रिफ्लेक्शन, पहले मुझे बताओ। वीडियो पॉज करो, रिफ्लेक्शन बताओ। यस, कर दिया कमेंट, बहुत बढ़िया। तो रिफ्लेक्शन क्या ही था भाई, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता था। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होता है, एक जो पार्ट होता है वो तुम्हारा कोटेड होता है और एक जो पार्ट होता है वो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग होता है। यहां से रे आती थी, यस और नो? अब ये रे क्या करती थी, बाउंस बैक हो जाती थी। क्या हो जाती थी, बाउंस बैक हो जाती थी। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को क्या बोलते थे हम लोग, रिफ्लेक्शन बोलते थे। अगर तुमको याद होगा तो यहां पे हम लोग एक अलग क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, अलग फिनोमिना के बारे में बात करेंगे, अलग कहानी के बारे में बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन, मैं हर बार, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, हर एक चीज में वापस रिपीट कर रहा हूं। मतलब जो मैंने इसके पहले बोला था वापस सेम चीज में वापस बोल रहा हूं। चलो कोई नहीं, होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? सो रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट अ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी, और जब वो जाएगी तो वो क्या होगी, बेंड होगी। क्या होगी, बेंड होगी। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। मतलब यहां पर हम लोग डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखो यहां से लाइट आ रही है, ये मेरा एयर मीडियम हो गया, ये मेरा एयर मीडियम हो गया, और ये मेरा ग्लास मीडियम हो गया। मतलब दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गए। अब दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गए, यहां से लाइट एंटर करेगी भाई, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर करेगी। और जैसी ही लाइट एंटर की, तुम लोग देखो भाई, लाइट एक्चुअल में ब्लू पाथ फॉलो करना चाहिए था, बट ब्लू पाथ फॉलो की क्या नहीं, लाइट बेंड हो गई और उसने फॉलो किया पिंक पाथ। क्या फॉलो किया, पिंक पाथ। अब जैसे ही वो वापस एयर मीडियम में आई, वैसे ही वो वापस बेंड हो गई, वापस वो बेंड हो गई और वापस ये वाला पाथ फॉलो करना चालू हो गए। तो दिस फिनोमिना, यहां पे जो फिनोमिना हो रहा है ना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। यहां पे अगर मैं चाहूं तो तुमको यहां पे ट्राई करता हूं विजुअलाइज कराने का। यहां पे तुम लोग देख सकते हो, देखो यहां पे अगर तुम लोग देखोगे ग्लास, तो ग्लास का तुमको बेंडिंग दिखेगा हल्का सा, या फिर ग्लास थोड़ा सा मोटा या फिर पतला दिखेगा थोड़ा सा। हम लोग ऐसा घर पे करके देख सकते हैं। ये क्यों हो रहा है, यहां पे ग्लास अलग दिख रहा है, यहां पे मतलब सॉरी पेंसिल यहां पे अलग दिख रहा है, यहां पे पेंसिल अलग दिख रहा है। ग्लास नहीं, पेंसिल की बात हो रही है। तो ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ बेंडिंग। लाइट जो है वो मीडियम के थ्रू, मतलब उस वॉटर मीडियम के थ्रू बेंड होकर आ रही है। दैट इज, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। उसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि तुमने दो लॉ पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, दैट इज अगर तुमको याद होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट एंगल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाइंग इन द सेम प्लेन। वैसे सेम यहां पे भी हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दो लॉ है, वो दोनों लॉ हमको देखना है। तो क्या है वो लॉ, पहला लॉ तो बहुत इजी है, देखो क्या है यहां पे, देखो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन, मान लो यहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन ने दिया हम लोग ने, आर ऑन द अपोजिट साइड, मतलब ये दोनों के दोनों अलग रहेंगे। ये मेरा इंसिडेंट रे है ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड पे रहेंगे, मतलब एक इस तरफ पे रहेगा और एक इस तरफ पे रहेगा। और ये तो तीनों रे हैं, कौन कौन से, ये इसको नॉर्मल बोलते हैं, ये जो लाइन है ना, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों प्लेन में रहेंगे, सिंगल प्लेन में रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई लाइट ऐसे आएगी और जब वो बेंड होगी तो वो यही प्लेन में रहेगी, ऐसा नहीं कि बेंड होने के बाद बाहर चली जाएगी या फिर अंदर आ जाएगी, ना ना ना, वो वही प्लेन में। मतलब ये जो पेपर वाला प्लेन है ना, ये
प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, वो उसी प्लेन में रहने वाली है, ऐसे आएगी बेंड होके वैसी ही जाएगी, ऐसा नहीं कि बेंड होके बाहर निकल आएगी, ना ना, वो अपना प्लेन चेंज नहीं करेगी। दैट इज अ स्टेटमेंट बाई इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एन आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सर्फेस ऑन द ग्लास स्लैब। ओके, दोनों के दोनों अपोजिट साइड रहेंगे, एक इधर एक नॉर्मल के उस तरफ। एंड द थ्री लाइक कौन कौन से, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइंग इन द सेम प्लेन। वो तीनों के तीनों सेम प्लेन पे रहेंगे, तीनों के तीनों क्या करेंगे, सेम सरफेस पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या, देखो, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ओके, मतलब गिवन पेयर ऑफ मीडिया हियर एयर एंड ग्लास, यहां पे हम लोग ग्लास और एयर की बात करें, बट हम लोग जनरली बात करेंगे, तो जनरल जब बात करेंगे तो अगर तुम लोग ये चीज नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब साइन आई बोले तो आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहां पे जो है ना ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी ये एंगल, हाँ विथ रेस्पेक्ट टू एंगल हमेशा नॉर्मल लेते हैं, तो ये एंगल जो है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ ओके, और ये जो एंगल होता है ये होता है एंगल आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों का जो रेशो होता है ना, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, कब तक कांस्टेंट होगा, जब तक ये मीडियम सेम रहेगा। अगर मान लो एयर और ग्लास है तो एयर और ग्लास के लिए ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। हाँ, अब अगर एयर और ग्लास के बजाय एयर और केरोसिन कर दिया या फिर एयर और अल्कोहल कर दिया तो ये चीज चेंज हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ रहा है, मतलब ये जो रेशो है दैट रेशो इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज, ये कांस्टेंट को एक क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग देखने वाले इसके अगले स्लाइड पे। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। ओके, मतलब मान लो कि अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है, अगर मैं बात करूं एयर का तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 होता है, वैक्यूम की बात करूं तो 1 होता है। ओके, डायमंड की बात करूं तो 2 के ऊपर होता है, ओके दैट इज 2.4 2.2 ऐसा होता है। ओके, तो ये कैसे डिफाइंड है, ये कहां से डिफाइंड है, वो हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, कि भाई जो लाइट है वो किस तरह ट्रैवल कर रही है, मतलब कितना स्पीड ट्रैवल कर रही है। अगर वो स्पीड ट्रैवल कर रही है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अगर वो स्लो ट्रैवल कर रही है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। मतलब यहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर यहां पे हम लोग देखें तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, इसको 1 पढ़ते हैं, इसको 2 पढ़ेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। और अगर इसको लिखना चाहे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो n1 by n2 is equals to v2 by v1 आएगा। मतलब यहां पे n1 by n2 है, यहां पे n1 by n2 है, यहां पे क्या आ जाएगा v2 by v1, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, मतलब यहां पे अगर n1 लिखा है तो यहां पे v2 लिखना है, यहां पे n2 लिखा है तो यहां पे v1 लिखना है। इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज नथिंग बट वेलोसिटी इन मीडियम 1 divided by the velocity in medium 2. Clear baat samajh aa raha hai? What is this? The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equals to the velocity of speed of light in medium 1 divided by the speed of light in medium 2. Clear? What is the formula? देखो, ये दोनों same चीज़ है, ये दोनों अलग अलग है, नहीं ये दोनों अलग नहीं है। सर दोनों को याद रखना जरूरी है क्या? नहीं, किसी को भी याद, बस ऐसे याद रखो। इसको कैसे लिखते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 is equals to inversely proportional है, तो यहाँ पे आ जाएगा v1 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा v2। clear? अब मुझे कोई बोले 3 और 4 define करो, तो refractive index 3 divided by refractive index 4 is equals to क्या आ जाएगा, velocity of 4 divided by velocity of 3। हाँ या ना? clear? बात समझ आया everyone? चलो हम लोग कुछ अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं absolute refractive index है। क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होता है।
मतलब इसका जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहां पे जो n1 है ना, दैट n1 इज वैक्यूम। वैक्यूम है, और जो n2 है ना, दैट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ओके, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। क्लियर? तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पे हम लोग देखें तो अलग अलग मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास। सबसे पहले चाहिए तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखो, जैसा कि मैंने तुमको बताया था भाई, जो एयर है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1, ऑलमोस्ट क्या है? 1। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे तो हम लोग 1.31। वैसे मैंने ग्लास का भी बताया था, देखो ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे तो कितना है? 1.5। ओके, अगर हम लोग डायमंड का देखे, जैसे डायमंड देखो, मैंने बताया था डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2.42। ओके, यहां पे देखो अगर फ्लिंट ग्लास का देखा जाए तो फ्लिंट ग्लास का 1.66 होता है। ये ग्लास मटेरियल अलग अलग, तो यहां पे सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे दिया हुआ है। तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद कर लो कि कौन सा भाई डेंस है और कौन सा रेयरर है। ओके, मतलब कौन सा मटेरियल डेंस है और कौन सा मटेरियल रेयरर। अब देखो, रेयरर और जो डेंसर है ना, ये कंपेरेटिवली मतलब कंपेयर करके इसको बोल सकते हैं हम लोग। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि एयर इज द रेयरर मीडियम, या फिर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वाटर इज द डेंसर मीडियम। ना ना, किससे रेयरर है और किससे डेंसर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। किससे रेयरर है और किससे डेंसर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर? तो यहां पे देखो, यहां पे कुछ लाइट किस तरह बेंड होती है वो हमको यहां पे देखना है। तो अगर हम लोग यहां पे देखें, तो जब कभी भी लाइट ट्रेवल करेगी कहां से? रेयरर टू डेंसर। कहां से? रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ओके, जब कभी भी लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, नॉर्मल की तरफ, मतलब लाइट को एक्चुअल में ऐसे जाना चाहिए था, बट वो क्या हो गई? वो बेंड हो गई। किसकी तरफ बेंड हो गई? नॉर्मल के पास आ गई। मतलब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। जब कभी भी लाइट ट्रैवल होगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। ओके, जब कभी भी लाइट कहां से कहां ट्रैवल होगी? लाइट ट्रैवल होगी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो ऑलवेज इट बेंड अवे फ्रॉम। ओके, यहां पे देखो, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, तो यहां से आई अब अवे फ्रॉम हो जाएगी। मतलब यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट से। अब ये एक अलग कंडीशन है भाई, जब कभी भी लाइट नॉर्मल गिरेगी, मतलब ऐसा ये नॉर्मल है और इसके अलॉन्ग ही लाइट गिरेगी, तो लाइट कभी बेंड ही नहीं होगी। लाइट कभी बेंड नहीं होगी, इट डज नॉट बेंड। यहां पर ध्यान दो, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। मतलब वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होगा। कब? जब लाइट ऐसे नॉर्मल गिरे सरफेस पे, मतलब जहां पे उसका मीडियम चेंज हो रहा है ना, उस सरफेस पे ऐसे अगर नॉर्मल गिरेगी लाइट, तो वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन का कहानी नहीं होगा, ये याद रखना। ओके, कुछ भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर? बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो आज हम लोग ने जो भी टॉपिक किया है उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, मैंने तुमको बताया कि भाई एक ही कहानी है, तुमको याद यही वाली कहानी रखनी है, दैट इज n2 बाय n1 इज इक्वल टू v1 बाय v2। यही कहानी तुमको याद रखनी है, और कोई कहानी याद नहीं रखनी है। ओके, सो यहां पे देखो क्या गिवन है तुमको। गिवन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, मतलब तुमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दैट इज n कितना है? 1.36। बराबर कितना है? 1.36। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? ओके, मतलब मेरे को वेलोसिटी निकालना है लाइट इन वाटर, दैट इज v2। अब मेरे को दिया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब v1 गिवन है, कितना गिवन है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये 10⁸ है, हां 10⁸। ओके, सो यहां पे अगर हम लोग देखें तो मेरे पास भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, हाँ या ना? क्या है? वी नो दैट दैट इज देयर फॉर एन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा देखो जरा, That is V2 by V1, हाँ ना? ओके, बट यहां पे कंफ्यूजन क्या होगा देखो, इसलिए कभी भी मैं सजेस्ट करता हूं ना, डायग्राम बना के करो। देखो, डायग्राम बनाने में क्या फायदा होता है, मान लीजिए तुम्हारा मीडियम है, इसको नाम दे दो मीडियम 1, इसको नाम दे दो मीडियम 2। यहां से लाइट आ रहा है, ये बेंड हुआ। ओके,
ये आई हो गया, ये आर हो गया, हाँ है ना। यहां पे मान लो वेलोसिटी वन हो गया, यहां पे मान लो वेलोसिटी वी टू हो गया, यहां पे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन हो गया, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हो गया। सिंस इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये वैक्यूम होगा, ये क्या होगा, वैक्यूम होगा, हाँ है ना। मैंने बताया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एन टू बाय एन वन, एन टू बाय एन वन इज नथिंग बट वी वन बाय वी टू, ओके। बट वॉट इज एन टू, वॉट इज एन वन, एन वन इज नथिंग बट वन, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं भाई वैक्यूम की, तो ये तो वन हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं एन इज इक्वल टू वी वन बाय वी टू। एंड वॉट इज वी वन, देखो सारा वी वन है क्या, वी वन है मेरा थ्री इंटू टेन रेस टू एट, तो थ्री इंटू टेन रेस टू एट। वी टू मेरे को निकालना है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेरे को दिया है दैट इज 1.36, ये इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, सो देयर फॉर वी टू विल बी, वी टू कितना मिलेगा, दैट इज 3 इंटू 10 रूस टू 8 डिवाइड बाय 1.36। अब दोनों को डिवाइड करो क्या मिलेगा, देखो जरा, तो 3 डिवाइड बाय 1.36 विल बी, इसको अगर डिवाइड करूंगा तो ऑलमोस्ट 2.2 के आसपास आएगा, तुम लोग एग्जैक्ट डिविजन तुम लोग कर लेना, तो 2.2 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकेंड। अगर अप्रोक्सीमेटली डिवाइड करना चाहूं तो 3 डिवाइड बाय 1.36 इज 2.2 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर, क्लियर। सो दिस इज द वेलोसिटी, ओके, कहां पे वेलोसिटी, वाटर में वेलोसिटी, ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वाटर, सो दिस मच द वेलोसिटी, दैट इज 2.2 इंटू 10 रेस टू 8, देखो वेलोसिटी कम हुई, मतलब जैसे जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। चलो एक और सम करेंगे, ये भी तुमको करना है, ये खाली मैं तुमको समझा दूंगा, बट तुमको सबसे पहले सॉल्व करके कमेंट करके मेरे को बताना है ये क्या होगा इसका आंसर। चलो देखो यहां पे, सो क्या बोला है, लाइट ट्रैवल विद अ वेलोसिटी, भाई लाइट ट्रैवल हो रही है इतने वेलोसिटी से, ओके, मतलब मान लो कि ये मीडियम वन है, बराबर, तो इसको नाम देते हैं वी वन, कितना है 1.5 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकंड, बराबर, इन अ मीडियम, ऑन एंटरिंग द सेकंड मीडियम, जैसे ही सेकंड मीडियम में वो एंटर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, एंड इतनी वेलोसिटी हो गई, दैट इज 0.75 इंटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकंड। मेरे को क्या बोला है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब मेरे को निकालना है एन टू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो कैसे निकलेगा, पहले वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर दो मेरे को कमेंट सेक्शन में, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा, पहले तुम लोग करो और बाद में क्रॉस चेक करना कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, हो गया सबका। चलो आ जाओ, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लेना, अब हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे क्या होगा, देखो जरा। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं, वी नो दैट, हमको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, दैट इज एन टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, दिस कैन बी रिटन एज एन टू बाय एन वन, है ना भाई, एन टू विथ रेस्पेक्ट टू वन कैन बी रिटन एज एन टू बाय एन वन, और वॉट इज दिस एन टू बाय एन वन, दैट इज वी वन बाय वी टू, वॉट इज वी वन, देखो वी वन दिया है दैट इज 1.5 into 10 raise to 8. What is V2? V2 is also given, that is 0.75 into 10 raise to 8. 10 raise to 8, 10 raise to 8 cancel. ये मेरे ख्याल से 1 जा और 2 जा में जाएगा, देखो जरा। तो भाई ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1. मतलब ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है. तो refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is nothing but 2. है ना? Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is nothing but क्या ही आया? 2 आया? Yes or no? बात समझा कि नहीं समझा एवरीवन? पक्का क्लियर समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ओके। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट, ओके। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है ना, मतलब नेचुरल फिनोमिना क्या क्या हमको देखने मिलता है, दैट इज नथिंग बट अ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सनराइज, सनसेट, वो जितना भी पार्ट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्लियर। बात समझ में आ गया एवरीवन? ओके, तो क्या करना है तुमको, फटाफट वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, मैं हर बार बोलता हूं खुद के नोट्स बनाओ, तभी चीजें तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, ओके। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, मैंने आईडी दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो तो वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन है और इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, ओके। चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।